वेल, जैसा कि तुम दावा करती हो और तुम्हारे मार्क्स भी उस दावे को सपोर्ट करते हैं, एकेडमिक्स में तुम काफी स्ट्रांग हो और तुम आईएएस के लिए अप्लाई करना चाहती हो, तो तुम्हारा इंटेलेक्ट चेक करते हैं। ऐसी कौन सी दुकान है जहां दुकानदार ग्राहक की चीज भी रख लेता है और पैसे भी लेता है? बातें सुना के बना के फिल्मी पत्रिकाओं का ग्रंथालय, कर 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 कैची चलाता दुकान उसकी कर्थनाले। ये क्या कर रही हो तुम? सर, आपके सवाल का जवाब दे रही। हेयर स्टाइलिस्ट। तुम्हारा जवाब सही है, लेकिन जवाब देने का तरीका गलत है। अगली बार जितना सवाल पूछा जाए उतना ही जवाब दो। ओके सर, मैं इस इंटरव्यू में इस बात का ध्यान रखूंगी। अब बैठ सकते हैं। अच्छा सभी, मुझे एक बात बताओ, एक आदमी 8 दिन लगातार बिना सोए काम करता रहा, कैसे? क्योंकि वो रात में सोता था। ऐसी कौन सी चीजें जो पानी पीने के बाद मर जाती है? प्यास। वो क्या है जो हमेशा आने वाला होता है मगर कभी आता ही नहीं है? कल, टुमारो। मैं जानता हूँ कि हिंदी लिटरेचर तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि आईएएस के लिए तैयारी करना चाहती हो तो इसीलिए हिंदी लिटरेचर का एक सवाल पूछता हूँ। वो आता दो टुक कलेजे को करता, पछताता पथ पर आता। रामधारी सिंह दिनकर ने ये कविता कब लिखी थी? नहीं सर, ये कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है। उन्होंने ये कविता 1923 में लिखी थी। रामधारी सिंह दिनकर जी ने तो रश्मि रथी लिखी थी। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। ये तो तुम पर भी लागू होता है ना? बस बस, कवि सम्मेलन नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो माझा प्रश्न से उत्तर दे तू। अर्थशास्त्र का मतलब क्या है? एक छोटे से उदाहरण के साथ सबको समझाओ, जैसे कि एक छोटे से गांव का अर्थशास्त्र क्या होगा। हाँ सभी, और इतनी सरल भाषा में समझाना कि स्कूल का जाता हुआ बच्चा भी समझ जाए। कोशिश करती हूँ सर। सर, मैं वो बोर्ड यूज कर सकती हूँ? या व्हाई नॉट, प्लीज। मान लीजिए एक किसान ने 5,000 रुपए की फसल उगाई। और इसी तरह से 5,000 रुपए संसाधन थे। इस पूरे चक्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। सही है, बैठो। तुमने कहा था कि कॉलेज में कुछ भी कंपटीशन होगा तो तुम उसमें पार्टिसिपेट करना चाहोगी? जी सर। स्पोर्ट्स में भी? यस सर। सिर्फ एडमिशन पाने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे ना? नहीं सर। ठीक है फिर, तो हमारे बीच में बास्केटबॉल एक मैच हो जाए, 1-on-1। तुम है किसी के प्यार में। सोमवार से रविवार रात 8 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।